हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आई क्यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ज्ञान आई क्यू पर। सो गाइज, आज की ये वीडियो है स्पेशली फॉर डीएसएसबी एस्पिरेंट्स, जो डीएसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, या उन एस्पिरेंट्स के लिए भी जो टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं, दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो है स्पेशली। देखिए, डीएसएसबी की वैकेंसीज जो है, हालांकि पिछले 2-3 साल से डीएसएसबी काफ़ी एक्टिव बोर्ड है, मतलब कि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो बेसिकली करता क्या है कि वो डीएसएसबी की वैकेंसीज जो है वो पब्लिश करता है। ओके, सो उसको जो रिकमेंड करती है जो संस्था बेसिकली कि इतनी वैकेंट पोस्ट है हमारे यहाँ पे और आपको इतनी वैकेंसी जो है वो जनरेट करनी है, वो करता कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो करता है डीओई, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसका ऑफिस जो है विधानसभा में है दिल्ली में। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि डीओई जो है, मतलब विधानसभा में, विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है, नोट इन विधानसभा, डीओई जो है वो बेसिकली क्योंकि जो मेन डिपार्टमेंट है आपका, जो आपको अपॉइंट करेगा टीचर में, वो आपका डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टोरेट इन एजुकेशन। ओके, सो ये डीओई जो है अपॉइंट करता है बेसिकली टीचर्स को, लेकिन जो बोर्ड कंडक्ट कराता है डीएसएसबी का पेपर वो है डीएसएसबी, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट बोर्ड होता है, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है ये कंडक्ट कराता है पेपर को। तो डीओई और आपकी एमसीडी जो है, एमसीडी के जो टीचर्स होते हैं प्लस डीओई के जो टीचर्स होते हैं, इनकी रिकमेंडेशन जो है वो जाती है डीएसएसबी बोर्ड के पास, और उसके बाद डीएसएसबी जो है वैकेंसी एडवर्टाइज करता है। फिर आप फॉर्म भरते हैं, ये बोर्ड पूरा पेपर कंडक्ट करा देता है, और फिर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होती है उनकी लिस्ट को इनके पास भेज देता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कहता है कि भाई, हमने आपके सेलेक्ट करके कैंडिडेट्स भेज दिए हैं, अब आप आगे का प्रोसेस जाने। तो एक फेसबुक पर हर जगह पे जो ये पूरी पिक्चर है वायरल हो रही है, और इसमें कोई ये फेक नहीं है, इट इज रियल, बिल्कुल रियल है। और मैंने अपने कुछ सोर्सेज से पता किया है जो डीओई में काम करते हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने थोड़ा सा कंफर्म किया कि भाई क्या हालात है वैकेंसीज के, आएंगी भी कि नहीं आएंगी, जो भी प्रॉब्लम है। तो देखो, ये तो बिल्कुल सच बात है कि यस, इतनी वैकेंसीज जो है पर पोस्ट जो है वो रिकमेंडेड है और इनको आना है, तो ये तो श्योरिटी है कि आएंगी। लेकिन प्राइमरी टीचर की पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी कमी है, मतलब यहाँ पे आपको 1000 दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके अलावा एमसीडी की भी कुछ पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है, बट यस, प्राइमरी में ज्यादा पोस्ट, इस तरह से 4-6 हजार आएंगी, इतनी नहीं आएंगी, ये तो आप मानकर चलिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो टीजीटी की है, यानी कि 10,000, ये ऑब्वियसली वेरियस उसमें सब्जेक्ट्स में है, और फिर कंप्यूटर टीचर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, म्यूजिक, पीजीटी, ये सब। देखो, अब ये सारी चीजें निकलकर कहां से आ रही है, देखो अभी क्या हुआ है ना, दिल्ली में ना गेस्ट टीचर्स का ऑडिट हुआ है। ऑडिट के बाद जो है, अब धीरे धीरे जो है नित्य भी नई पोस्ट पे जो टीचर अपॉइंट हुए हैं, बहुत सारे अपॉइंट हुए हैं, ऐसा हुआ है कि एक एक स्कूल में जो है 30-30 नए अपॉइंटी हुए हैं, तो गेस्ट टीचर्स को रिलीव भी किया गया है। और ये जो गेस्ट टीचर्स का एक चर्चा चल रहा था कि भाई क्या करना है, मतलब दिल्ली में ऐसे क्यों है, प्रिंसिपल की पोस्ट भी खाली है दिल्ली में, इवन सारे वाइस प्रिंसिपल्स को ही एचओएस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस है कि जितनी भी सारी पोस्ट है दिल्ली में वो फिल की जाए, और गेस्ट टीचर्स को धीरे 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 हटाना है। मे बी उनको बेसिकली एग्जाम के थ्रू कैसे आप कर सकते हैं, तो गेस्ट टीचर्स भी ऑब्वियसली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको झट से निकाल दिया जाना, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। बट यस, डीएसएसबी की वैकेंसीज आने वाली है। मुझे जो टाइम बताया है उन्होंने अप्रोक्स 3 मंथ्स का बताया है कि 3 मंथ्स लग जाएंगे, अभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम लेके चलो कि इतने मंथ में जो है एडवर्टीजमेंट आने वाली है डीएसएसबी की, जिसमें से पीजीटी की कुछ अभी रहती है, कुछ आई थी, कुछ रुक गई थी। ये पीजीटी की पोस्ट कह रहे थे कि पहले एडवर्टाइज हो सकती है, इन सबसे पहले जो कुछ पीजीटीज की पोस्ट रहती है वो पहले एडवर्टीजमेंट उनका आएगा, ये देखने को मिलेगा। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। हाँ, लेकिन प्राइमरी टीचर में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 6,000 के करीब वैकेंसी आ जाए, तो इतनी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। अगर आपका भी केवीएस का पेपर अच्छा नहीं गया है, जो भी रीजंस है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीएड कर ली है, तो होप ना खोएं, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो काफी होती हैं, और अगर आप अच्छे से थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना, तो टीजीटी भी निकालना कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं होगी आपके लिए। और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि योगा टीचर अब दिल्ली में वैसे बंद हो चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे योगा टीचर के लिए भी वैकेंसी दी गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीएसएसपी का जो फोकस है, बेसिकली डीओई का जो फोकस है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, वो ये है कि भाई कितनी जहां पर कितनी सारी पोस्ट खाली है उनको किस तरह से हम फिल करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली पूरा दिल्ली में जो है एक प्रॉपर सिस्टम लेके आना है। अभी एक
एलजी साहब और हमारे मुख्यमंत्री साहब की फिर से कुछ चीजों पर बहस हुई है, जिसमें एक मुद्दा ये उठ कर आया है कि दिल्ली के स्कूल्स में जो है प्रिंसिपल की पोस्ट को जो है खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि देर आर नॉट इनफ प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि हम वाइस प्रिंसिपल को या हेड टीचर को ही आप लोग वहां पे एचएस बना रहे हैं, हेड ऑफ स्कूल बना रहे हैं, और वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा है, तो प्रिंसिपल्स की तो पोस्ट ही खत्म कर दो। तो सबसे पहले तो यही आ रहा है कि प्रिंसिपल्स जो है वो हर दिल्ली के स्कूल में जाएंगे और उसके बाद टीचर्स की पोस्ट को जो है वो रेगुलर बेसिस पर फिल किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द अपडेट। तो ये पूरा एक वैकेंसी चार्ट है जो कि शो हुआ था। इसके अलावा जो है अभी आजकल एक और चीज है आपको देखने को मिलेगी कि जो एमसीडी ने जो वैकेंसीज भेजी थी, क्योंकि एमसीडी की जो वैकेंसीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट एमसीडी ने भेजी थी, ईडीएमसी, एनडीएमसी, एसडीएमसी, क्योंकि अभी सारे कंबाइन हो गए हैं, तो अब क्योंकि एक कंबाइन हो गया तो कंबाइन लिस्ट जो है वो जनरेट होगी फिर से कि टोटल पूरी एमसीडी में कितनी वैकेंसीज खाली है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिल की जाएंगी। ठीक है, अब जो है इसके अलावा जो चीजें हैं वो जैसे कि एक कोर्ट केस का ये भी एक समन जारी हुआ था कि भाई हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि जो है आप सारे स्टेप्स बताए कि आप क्या कर रहे हैं वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए। पूछा गया है डीएसएसबी बोर्ड से, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से, इन सबसे पूछा गया है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी फिल की जानी है और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आपने क्या स्टेप लिए हैं। तो इस चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव ऑर्डर आया था। खैर ये ऑर्डर्स आते रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नई चीज है, लेकिन स्टिल जो है ये प्रोसेस जो है चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीने में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डीएसएसबी इज ऑल्सो डायरेक्ट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड देयर स्टेटस रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिक्विजिशंस रिसीव्ड बाय देम। अब देखो मैंने कहा था कि डीएसएसबी बोर्ड जो है वो वैकेंसीज को जो है रिसीव करता है बेसिकली फ्रॉम डीओई एंड एमसीडी, तो अब ये इनसे भी पूछा गया है कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट बताइए कि आपको एमसीडी से और जीएनसीटीटी से यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से कितनी वैकेंसीज फिल करने के लिए आपको रिक्विजिशन भेजी गई है, तो डीएसएसबी को ये जवाब भी देना है। ठीक है, तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो डीएसएसबी वैकेंसीज से रिलेटेड आजकल जो है वायरल हो रही हैं। अगेन यहाँ पर कुछ वैकेंसीज जो है ये टीजीटी स्पेशल मैथ्स फीमेल मेल। हाँ, एक चीज और है कि मेल फीमेल की वैकेंसीज जो है ऑलमोस्ट अलग अलग ही आती हैं आपकी, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को छोड़कर, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया उसमें कंबाइन आएगी। ठीक है, तो इसमें है, लेकिन जैसे साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इन सब चीजों में क्या होता है मेल फीमेल की वैकेंसीज थोड़ी अलग अलग होती है, बिकॉज दिल्ली में जो मेल और फीमेल के स्कूल है यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो हो गए बॉयज स्कूल वो ऑलमोस्ट अलग अलग ही है। हाँ, कोएड भी है और बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स भी यहाँ पर है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर जो है उसकी वैकेंसीज काफी एक्सपेक्टेड हैं, जैसे पीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करने के लिए या फिर आपने कर लिया है, तो आप थोड़े से होपफुल रहें क्योंकि आपके पास स्कोप ज्यादा है और इसमें ये सब्जेक्ट जो ऐसा है जिसकी मेरिट भी ज्यादा नहीं जाती है, वही 70-80 पे सिमट जाती है आउट ऑफ 200, तो यू कैन बी वेरी होपफुल फॉर स्पेशल एजुकेटर वैकेंसीज और ये बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर भी सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द टीएसएसबी वैकेंसीज अपडेट। सो आई होप कि अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि केवीएस से अभी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवीएस में भी अप्लाई करते हैं और डी ट्रिपल एस में भी अप्लाई करते हैं, तो केवीएस में अगर आपका कम भी चांस है तो भी आप थोड़े से होपफुल रहे कि डीएसएसबी में वैकेंसी आने वाली है, और हरियाणा गवर्नमेंट में वैसे भी वैकेंसीज आई रही हैं, तो बी होपफुल, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि घर ऐसे नॉर्मल रो धो के बैठना नहीं है कि हाँ हमारा यहाँ पर नहीं हुआ वहां पर नहीं हुआ, बेसिकली कहीं ना कहीं कमी आपके काम में है, तो उसको आपको देखना है, उसको रियलाइज करना है, फिर अपनी स्टडीज पर जो है फोकस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।